आज का सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे, बालकनाथ या फिर कोई अन्य? मोदी योगी का खास। राजनीति की समझ रखने वाला हर एक शख्स बस एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार मंथन जारी है, और ऐसे में सीएम फेस पर चल रहे सस्पेंस के बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। इनमें सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, और इसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है, और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस के बीच तिजारा से भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली है। बाबा बालकनाथ की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ की जा रही है। उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जा रहा है। इसका कारण है कि बालकनाथ और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं। अगर आप इनके लुक्स को देखें तो वो दोनों एक जैसे नजर आते हैं, क्योंकि बालकनाथ भी योगी आदित्यनाथ की तरह भगवा कपड़ों में नजर आते हैं। 1984 को राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में जन्मे बालकनाथ ने 6 साल की छोटी सी उम्र से ही अध्यात्म से जुड़ाव शुरू कर दिया। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, और इस तरह वो मठ के 8वें महंत बने। और ऐसे में तमाम लोग राजस्थान में वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर महंत बालकनाथ योगी के नाम की चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में भाजपा का जुड़ाव भी बालकनाथ की ओर ज्यादा नजर आ रहा है। कांग्रेस कह रही थी कि रिवाज बदलेगा, राज बदल गया, राज बदले गया, बदल गया है, और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। क्या आप भी मुख्यमंत्री के रेस में हैं बालकनाथ जी? मतदाताओं ने पूरे देश में संदेश दिया है, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर किया, काम की बात करिए, क्या कहेंगे? संदेश दिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है, लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं, और देश को एक विकसित राष्ट्र बना कर रहेंगे। प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का श्राप लगाया, किस तरीके से देखते? बिल्कुल लगाया ना, क्यों नहीं लगाया? सनातन एक ऐसा, एक मतलब एक जीवन है सनातन, तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है सनातन। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन, और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी सबकी कृपा, देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। धन्यवाद, जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी से तैयार। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री पद पर चर्चा के लिए दिल्ली में उपस्थित हैं। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, साथ ही बाबा बालकनाथ, राजवर्धन सिंह, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, ओम बिरला, ओम माथुर, सुनील बंसल के साथ निम्बाराम का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन नामों के अलावा भी किसी अन्य नाम पर मोहर लग सकती है। केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए मंथन कर रहा है। हालांकि राजस्थान में
मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री का नाम मोदी मैजिक से ही सामने आएगा। राजस्थान में सरकार बनने से पहले पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अब विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुनाव जीतने वाले सभी विधायकों को अपने घर खाने पर बुलाया था और इस निमंत्रण में 35 से अधिक विधायक राजे के घर पहुंचे थे। इसे सियासी गलियारों में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था। साथ ही बुधवार की रात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची थी। यहां राजे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मीटिंग के दौरान वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह भी उनके साथ थे। डेढ़ घंटे चली इस बैठक को राजस्थान के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल एक ही है कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 भारत।